गरियाबंद में द्वितीय चरण की मतदान के लिए नामांकन फॉर्म भरने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। पहले ही दिन बीजेपी राजिम के प्रत्याशी रोहित कुमार साहू ने नामांकन फॉर्म जमा किया है। वहीं दूसरी ओर बिंद्रा नवागढ़ के बीजेपी प्रत्याशी गोवर्धन मांझी और कांग्रेस प्रत्याशी जनकलाल ध्रुव के साथ ही अन्य पार्टी के दो प्रत्याशियों ने भी नामांकन फॉर्म प्राप्त कर नामांकन भरने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। राजिम में क्षेत्रीयता की जो आवाज़ है कि जनता की आवाज़ है कि कार्यकर्ताओं की आवाज़ है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे मतदाता चाहते थे कि क्षेत्र के हमारे किसान के बेटे हो, गांव के बेटे हो, इस क्षेत्र के नेतृत्व करने गांव के होने वाले, गांव वाले होने चाहिए और क्षेत्र में रहना चाहिए। आज एक एक मतदाता के मन की बात आज पार्टी ने विचार करके जो आज जिम्मेदारी दी है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, एक एक योजना पूरे गांव तक पहुंच रहे हैं और हर वर्ग का ख्याल रख रहे हैं, उसी योजना को लेकर के हम गांव में जा रहे हैं। पहले प्रत्याशी घोषित करके मेरे लिए बहुत बड़ी ब्रह्मास्त्र दे दिए मेरे को। इससे मैं हर गांव में, हर गली, हर मोहल्ले के हमारी माताओं के साथ, हमारे प्रिय बुजुर्गों के साथ, हमारे गाँव के जितने मतदाता हैं उससे रूबरू मिलने का अवसर मिला है। हर घर में, हर दरवाजे में जाके मैं आशीर्वाद प्राप्त कर रहा हूँ और राजिम विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को विश्वास के साथ आशीर्वाद दे रहे हैं और कमल खिलाने के लिए संकल्पित हैं। पूर्ण बहुमत के साथ हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना